शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा एमपी बोर्ड में समस्त पुस्तकें एनसीईआरटी द्वारा संचालित 2020-21 में लागू किया गया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ हिंदी भाग एक आरोह गद्य का नाम है मियां नसीरुद्दीन, जिनके लेखक हैं कृष्णा सोमती का जन्म 18 फरवरी 1925 गुजरात पश्चिम पंजाब वर्तमान में पाकिस्तान में है। इनकी प्रमुख रचनाएं जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ये लड़की, समय सरगम, उपन्यास, दर से बिछड़े मित्रों, मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी, अंधेरे के, ये सब कहानी संग्रह उनके हैं। इनको प्रमुख सम्मान मिला है साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी सम्मान, सारका सम्मान, साहित्य अकादमी सम्मान। मृत्यु इनकी 25 जनवरी 2019 में हुई। हिंदी कथा साहित्य में कृष्ण सोमती की विशिष्ट पहचान है। वे मानती हैं कि कम लिखना, विशिष्ट लिखना, यही कारण है कि उनके संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मक ने अपना एक नया पाठक वर्ग बनाया है। उनके कई उपन्यासों, लंबी कहानियों और स्मरणों में हिंदी के साहित्य संसार में अपनी जीवी उपस्थिति सुनिश्चित की है। उन्होंने हिंदी साहित्य को कई ऐसे यादगार चरित्र दिए हैं जिन्हें अमर कहा जा सकता है, जैसे मित्रों सहानी, हम सर, हसमत आदि। भारत पाकिस्तान पर जिन लेखों ने हिंदी में कालजयी रचनाएं लिखी हैं उनमें कृष्ण सोमती का नाम पहली कतार में रखा जाएगा, बल्कि यह कहना उचित होगा कि यशपाल ने झूठा सच, राही मसूम राजा के आधा गांव और भीर सहानी के तमस के साथ साथ कृष्ण सोमती का जिंदगी नामा इस प्रसंग में एक विशिष्ट उपलब्धि है। स्मरण के क्षेत्र में हसमत शीर्षक ने उनकी कृति का विशिष्ट स्थान है, जिसमें अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने हमसक नामक चरित्र का सृजन कर एक अद्भुत प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया है। श्री कृष्ण जी ने भाषिक प्रयोग में विजेता, उन्होंने हिंदी की कथा भाषा को एक विशेष ताज की दी है। संस्कृत निष्ठा तक समता, उर्दू का बागपन, पंजाबी की जिंदा दीदी, ये सब एक उनकी रचना में मौजूद है। मियां नसीरुद्दीन का सब चरित्र हम ससमत नामक संग्रह से दिए गया है। इसमें खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचि और स्वभाव का शाब्दिक चित्र खींचा गया है। मियां नसीरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला उसमें अपने खानदानी महारत को बताते हैं। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने का असली हुनर मानते हैं। मियां नसीरुद्दीन साहबों, उस दिन अमन मटिया महल की तरह से ना गुजर जाते तो राजनीतिक साहित्य और कला के हजारों मसीहों के धूम धड़ाकों में नान भाइयों के मसीहा मियां नसीरुद्दीन को कैसे पहचानते और कैसे उड़ाते लुट उनके मसीही अंदाज का। हुआ यह कि हम एक दोपहरी जमा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गड़ैया मोहल्ले की ओर निकल गए। एक बेहद मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर सानते देख फिटके, सोचा सेवैयों की तैयारी होगी, पर पूछने पर मालूम हुआ खानदानी नान मियां नसीरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। मियां मशहूर हैं 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए।
हमने जो अंदर पाया, मियाँ चारपाई में बैठे बीड़ी के मजा ले रहे थे। मौसम की माँ से पका चेहरा, आंखों में कईयों काइयाँ भोलापन, पेशानी पर पंजे हुए कारीगर के तेवर। हमें ग्राहक समझ मियाँ ने नज़र उठाई, फरमाए, झिझक से कहा, आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो। मियाँ नसीरुद्दीन को पंच हजारी अंदाज से सिर हिलाए, निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है। फिर घूमकर देखा और जोड़ा, मियाँ अखबार नसीब तो नहीं हो, यह तो खोजियों की खुराफत है। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम है। खैर, अपने यहाँ आने की तकलीफ उठाई है तो पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं। पूछना था कि किस किस्म की रोटी पकाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया है। मियाँ नसीरुद्दीन ने आंखों के कच्चे हम फेर दिए, फिर तरेर कर बोले, क्या मतलब, पूछिए साहब, नान भाई इल्म लेने कहीं और जाएगा क्या? नगीना साज के पास कोई, आईना साज के पास क्या, मीना साज के पास, या रफूगर रंगरेज या तेली तवेली तंबोली से सीखने जाया क्या? फरमा दिया साहब, यह तो हमारा खानदानी पैसे ठहरा। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो कुछ भी सीखा आपने वाले उस्ताद से ही। बोले, यह कि हम घर से निकले और कोई पेशा अख्तियार करेंगे, जो बाप दादाओं का हुनर था वही वही उसने पाया, और वालिद मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के थिए पर। आपके वालिद मियाँ नसीरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्टी में घुम हो गई, लगा गहरी सोच में, फिर सिर हिलाया, क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया? हाँ, हमारे वाले साहब मासूम थे, मियाँ बरकत शाही नान भाई गड़ैया वाले के नाम से, और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहेब थे आला नानबाई मियाँ कल्लन। आपको इन दोनों में से किसी की भी कोई नसीहत याद हो? नसीहत काहे कि मियाँ काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। हाँ, बाजा फरमाया है, पर यह तो बताइए कि जब आपने भट्टी की ओर इशारा किया इस काम पर लगे, तो वाले साहब ने सीख की तौर पर कुछ तो कहा होगा। नसीरुद्दीन साहब ने जल्दी जल्दी दो तीन कस खींचे, फिर गला साफ किया और बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बताए दिए देते हैं कि आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहलाता है। कह आलेख, बच्चा कहता है आलेख। कह बे, बच्चा कहता है बे। कह जी, बच्चा कहता है जी। इस बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है और गर्दिश चुपचाप परवान करता है। समझे साहिब, एक तो पढ़ाई ऐसी और दूसरी बात बीच में छोड़ सामने से गुजरते मीर साहिब को आवाज़ दे डाली, कहो भाई मीर साहब, सुबह ना आना हुआ पर क्यों? मीर साहब ने सिर हिलाया, मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बताएंगे, आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे ना। इस बार मियाँ नसीरुद्दीन ने यूं ही सिर हिलाया कि सुकरात हो, हाँ एक दूसरी पढ़ाई भी होती है, सुनिए, अगर बच्चे को भेजा मदरसा है तो बच्चा ना कच्ची में बैठेगा, ना बैठा है वह पक्की में, ना दूसरी में, और जा बैठा है तीसरी में। हम यह पूछेंगे उन तीन जमातों का क्या हुआ, क्या हुआ उन तीन क्लासों का। अपना ख्याल है कि मियाँ नसीरुद्दीन नानबाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर हम यह दाखते रहे हैं, आप ही बताइए
उन दो तीन जमातों का क्या? यह बात मेरी समझ के तो बाहर है। इस बार शाही नानबाई मियाँ कल्लन के पोते अपने बचे खोते दांतों से खिलखिला के हंस दिए। मतलब मेरा साफ ना था। लो साहिबो, अभी साफ हुआ जाता है, जरा सी देर को मान लीजिए। हम बर्तन धोना ना सीखते, हम भट्टी बनाना ना सीखते, भट्टी को आँच देना ना सीखते, तो क्या हम धीरे धीरे नान भाई का हुनर सीख जाते? मियाँ नसीरुद्दीन हमारी और कुछ ऐसे देखा किए कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो, फिर बड़े ही मजे अंदाज में कहा, कहने का मतलब साहिब ये है कि तालीम की तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। फिर सिर हिलाया, हाँ साहिब माना। मियाँ नसीरुद्दीन जोश में आ गए, हमने ना लगाया होता खोमचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते? मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हम ने बात का रुख मोड़ा, अपने खानदानी नानवाई होने का जिक्र किया। क्या यहाँ और कोई नानवाई है? मियाँ ने घूरा, बहुतरे पर खानदानी नहीं, सुनिए दिमाग में चक्कर काट गई है। एक बात हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूं कहा, मियाँ नानवाई कोई नई चीज़ खिला सकते हो? हुक्म कीजिए जहाँ पना। बादशाह सलामत ने फरमाया, कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो ना आग से पके ना पानी से बने। क्या उनसे बनी ऐसी चीज़ क्यों ना बनाती? साहेब बनी और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही। लगा हमारा आना कुछ रंग लाया चाहता है। बेसब्री से पूछा, वह पकवान क्या था? कोई खास ही चीज़ होगी। मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे, सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है कि नसीरुद्दीन साहब बड़ी रुखाई से बोले, ये हम ना बताएंगे, बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है, ना कि खानदानी नानबाई कुएं में रोटी पका सकता है। कहावत जब भी गढ़ी गई हो हमारे बुजुर्ग के कर्तव्य पर ही पूरी उतरती है। मजा लेने के लिए टोका कहावत यह सच्ची भी है कि मियाँ ने तरीरा और कहा झूठी है। आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? झूठ से रोटी पकेगी? क्या पकती देखी है कभी? रोटी जना पकती है आँच से, समझो। सिर हिलाना पड़ा, फरमाते हैं। इस बीच मियाँ ने किसी और को पुकारा, मियाँ रहमत इस वक्त किधर को? और अरे वह लोंडिया ना आई, रुमाली लेने शाम को मंगवा लीजो। मियाँ एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली, सो कुछ फुर्ती पा गए थे। पूछिए। अरे बात ही तो पूछिएगा, जान तो ना लेंगे उसमें भी, अब क्या देर, 70 के हो चुके हैं। फिर जैसे ही अपने से ही कहते हो, वालिद मरहूम तो कुछ किए, 80 पर क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले ना मिले। इस मजनून पर हमसे कुछ कहते ना बन आया तो कहा, अभी यही जानना है कि बुजुर्ग ने शाही बाबर्ची खाने में तो काम किया होगा। मियाँ ने बेरुखी से टोका, यह बात तो पहले हो चुकी है ना? हो तो चुकी साहब, पर जानना यह था कि दिल्ली के बादशाह के यहाँ आके बुजुर्ग काम किया करते थे। अजी साहब क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हैं? कह दिया ना कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, तो क्या काफ़ी नहीं है? हम खिसियानी हंसी हंसे हैं तो काफ़ी, पर जरा काम लेते तो उससे वक्त से मिला लेते खूब, पर किससे मिलाते जनाब? आप वक्त से, मियाँ हंसे, जैसे हमारी खिल्ली उड़ाते हो, वक्त से किसी ने मिलाया है आज तक? खैर पूछिए, किसका नाम जानना चाहते हैं? दिल्ली के बादशाह का ही ना, उनका नाम कौन नहीं जानता? जहाँ पना बादशाह सलामत ही है ना, कौन से बहादुर शाह जफर की
मियाँ ने खींच कर कहा, फिर अलट पढ़ के वही बात लिख दीजिए, बस यही नाम आपको, कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुक्का भेजना है कि डाक खाने वालों के लिए सही नाम पता ही जरूरी है। हमें बेटर बेटर अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिला, अपने कारीगर से बोले, अरे ओ बब्बल मियाँ, भुट्टी सुलगा लो तो काम से निपटे, ये बब्बल मियाँ कौन है? साहेब मियाँ ने रुखाई से जैसे फाक ही काट दी हो। अपने कारीगर और कौन होंगे मन में आया पूछ ले, आपके बेटे बेटियां हैं? पर मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंगड़ के अनुसार देख ये मजनून ना छोड़ने का फैसला किया। इतना ही कहा, ये कारीगर लोग अपनी शागिर्दी करते हैं, खाली शागिर्दी ही नहीं साहब, गिन के मजदूरी देता हूँ, 2 रुपये मन आटे की मंजूरी, 4 रुपये मन सौदे की मजूरी। हाँ, ज़्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियाँ पका करती हैं? मियाँ को अब तक इस मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी ना रही, फिर भी हमसे छुटकारा पाने को बोले, बकर खानी, सीरमल, ताव, तन, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाव, दीदा, गजेबान, तुनकी, फिर तेवर चढ़ाकर हमें घूर कर कहा, तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होती है। महीन, हाँ, किसी दिन खिलाएंगे आपको। एकाएक मियाँ की आँखों के आगे कुछ कौन गया, एक लंबी सांस भरी, फिर गुमशुदा याद को ताज़ा करने को कहा, उतर गए वे जमाने और गए थे कद्रदान जो पकाने खाने की कद्र करना जानते थे। मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूर से निकली और हजम। बच्चों, ये पाठ का अभ्यास है। नंबर 1, मियाँ नसीरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है। नंबर 2, लेखिका मियाँ नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी। नंबर 3, बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियाँ नसीरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों खत्म होने लगी। नंबर 4, मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंगड़ के आसार देखकर यह मजनून छेड़ने का फैसला किया। इस कथन के पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख करते हुए स्पष्ट कीजिए। नंबर 5, पाठ में मियाँ नसीरुद्दीन का शाब्दिक चित्र लेखक ने कैसा खींचा है। पाठ के आसपास, नंबर 1, मियाँ नसीरुद्दीन की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी। नंबर 2, तालीम ही बड़ी चीज़ होती है। यहाँ लेखक ने तालीम शब्द का 2 बार प्रयोग क्यों किया? क्या आप दूसरी बार तालीम शब्द की जगह कोई अन्य शब्द रख सकते हैं? लिखिए। नंबर 3, मियाँ नसीरुद्दीन तीसरी पीढ़ी के हैं जिसने अपने खानदान व्यवसाय को अपनाया। वर्तमान समय में प्राय लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपना रहे हैं, ऐसा क्यों? नंबर 4, मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो, यह तो खोजियों की खुरापत है। अखबार की भूमिका को देखते हुए इस पर टिप्पणी करें। पकवानों को जाने, पाठ में आए रोटियों के अलग अलग नामों की सूची बनाएं और उनके बारे में जानकारी प्राप्त करें। भारत भाषा की बात, नंबर 1, 3-4 वाक्यों में अनुकूल प्रसंग तैयार कर नीचे दिए हुए वाक्यों का इस्तेमाल करें। का, पंच हजारी अंदाज से सिर हिलाया। खा, आँखों के कंधे पर हम पर फेर दिए। गा, आ बैठे उन्हीं के थिए पर। नंबर 2, बिटर बिटर देखना,
यहाँ देखने के एक खास तरीके को प्रकट किया गया है। देखने संबंधी इस प्रकार के चार क्रिया विशेषणों का प्रयोग कर वाक्य बनाएं। तीसरा, नीचे दिए गए वाक्यों में अर्थ पर बल देने के लिए शब्द क्रम परिवर्तित किया गया है। समानता इन वाक्यों को किस क्रम में लिखा जाता है लिखें। का, मियां मसूद हैं 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। खा, निकाल लेंगे वक्त थोड़ा। गा, दिमाग चक्कर कट गई है बात। घा, रोटी जना पकाती है आँच से। शब्द छवि, नानवाई, तरह तरह की रोटियां बनाने बेचने का काम करने वाला। काइयां, घूर चला, परेशानियां, पेशानी, माथा, मस्तक। अखबार, नवीस, पत्रकार, खुराफा, शरारत। इल्म, जानकारी, ज्ञान, विद्या। नगीना सार, नगीना जोड़ने वाला। मीना सार, मीनाकारी करने वाला। रंगरेज, कपड़ा रंगने वाला। वालिद, पिता। अख्तियार करना, अपनाना। मरहूम, जिनकी मृत्यु हो चुकी। मोहलत, कार्य विशेष के लिए मिलने वाला समय। लम्हा, भर, क्षण भर। नसीहत, सीख, शिक्षा। बाजा फरमाना, ठीक बात करना। शागिर्द, शिष्य, परवान करना, उन्नति की तरफ बढ़ना। जमात, कक्षा, श्रेणी। रुखाई, उपेक्षित भाव। तजेरा, घूर कर। रूमाली, एक प्रकार की रोटी जो रूमाली की तरह बड़ी और बहुत पतली होती है। जहमत उठाना, तकलीफ, झंझट, कष्ट। मजमून, मामला विशेष।